आपको हमेशा ही लगता होगा कि आपको भूख लगी है, आपको नींद आ रही है, आप खाना खाते हो, आप चीजों को सूंघते हो, अर्थात आप आपकी इंद्रियों से सारी चीजें करते हो। जैसे एक छोटा बच्चा कर रहा होता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे घूमने जाना है, मुझे कुछ खाना है या नहीं खाना है, मुझे रोना है, मुझे हंसना है, सारी ही चीजें हम भी बड़े होकर वही करते रहते हैं। कृष्ण यहाँ पर भी भगवद गीता में भी ये चीज कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इन सभी चीजों से अलिप्त हो जाता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति खाना नहीं खाता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सूंघता नहीं है, नहीं। कृष्ण ये कहते हैं कि तत्वों को जानने वाला सब कुछ करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। इसका अर्थ क्या होता है, आइए सबसे पहले अनुवाद देखते हैं और उसके बाद इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। अध्याय 5 श्लोक 8 और 9। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा मानने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। अब यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं सब कुछ, सारी क्रियाएं बता दी कि सब कुछ करता हुआ भी वो ये मान ले कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है। इसका सीधा सा अर्थ है आप भी ये काम कर सकते हो। अब देखो, आपको भूख लग रही है या आपके शरीर को भूख लग रही है, कभी किसी दिन ये प्रैक्टिस करके देखना कि मुझे नहीं मेरे शरीर को भूख लगी है, इस शरीर को थकान लगी है, इस शरीर के पैर दुख रहे हैं, इस शरीर के हाथों में दर्द है, इस शरीर का सिर दुख रहा है। सडनली धीरे धीरे अभ्यास से आपको पता चल जाएगा कि आप और आपका ये शरीर दोनों अलग चीज है। इसीलिए ईश्वर ने ये कहा कि तत्व को जानने वाला, ध्यान दीजिएगा यहां पर उन्होंने तत्वों को नहीं बोला। जैसे साइंस कहता है ना 118 तत्व है, और जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन अलग है, आयरन अलग है, गोल्ड अलग है, सब कुछ अलग 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 है। जैसे हम भी चीजों को अलग अलग तरह से महसूस करते हैं, हम भोजन लेते हैं तो हल्दी का स्वाद, मिर्ची का स्वाद, नमक का स्वाद अलग 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 प्रतीत होता है हमें। यहाँ पर कृष्ण ने तत्वों के बारे में बात नहीं की। अधिकतर मोटे मोटे में भी यदि हम 5 तत्व ले लें, जैसे धरती है, अग्नि है, वायु है, जल है और आकाश, कृष्ण उसकी भी बात नहीं कर रहे। कृष्ण कह रहे हैं तत्व को अर्थात चेतना को जानने वाला, इसका अर्थ है जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है। इसका भी थोड़ा गहन में अर्थ समझे तो वो अपने शरीर, अपनी इंद्रिय और अपने मन को अपने से अलग करके सोचने की कोशिश करता है, वह सब कुछ करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आज आप बड़े हो गए हो और आप आपके बच्चों के साथ कोई गेम खेल रहे हैं, सपोज गुड्डे गुड़ियों का खेल खेल रहे हो, उनको शादी करा रहे हो, लोगों को बुला रहे हो, खाना खिला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। आपको पता है कि आप सारी चीजें सिर्फ नाटक के तौर पे करते हो और वो भी बहुत अच्छी करोगे, इतनी अच्छी करोगे जितनी आप हकीकत में भी नहीं कर सकते हो। अगर हकीकत में आपको शादियां करवानी पड़ जाए तो आप स्ट्रेस लेकर घूमोगे, आपको लगेगा कि बाराती आएंगे, मेहमान आएंगे, कैसे संभालेंगे, किस प्रकार करेंगे। पर यदि आप खेल खेल रहे हो ना, तो आप उसी चीज को पूरा एंजॉय करोगे। भगवान यही कह रहे हैं, आप अपने आप को सिचुएशन से अलग होकर थोड़ा सा महसूस करके देखिए, आप भी ट्राई कीजिए, अच्छा है ये। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए। धन्यवाद।